बीबी थोड़ा सा ऊंची बोले अस्सलाम वालेकुम जी। वाह हाँ, इस तरह की आवाज आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मेरे भतीजे हैं दो और एक भतीजी है, वो चार बहन भाई हैं। एक ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है हमारी तरह, लेकिन जो तीन है उनकी आंखों का मसला है। वो उनकी आंखें देखते हैं तो उनको नजर नहीं आता, और वो उनकी अंदर से जो आई बॉल है वो फिर जाता है। डॉक्टर्स ऊपर को, चला जाता है ऊपर। हाँ जी, डॉक्टर से कहा है तो वो कह रहे हैं कि इनके पट्ठों का मसला है, और बहुत इलाज करवाया रूहानी भी और डॉक्टर से भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अच्छा, उनको। अल्लाह पाक उसे शिफा दे। एक तो ना वो सुबह सुबह जब फजर से पहले थोड़ी सी जाग खुलती है ना, यानी कि आदमी 3-4 घंटे सोया हो, तो उसका पहला थूक, जिसको बेई थूक बोलते हैं ना, ये सबके लिए, किसी भी आंखों के मर्ज के लिए, किसी भी आंखों के मर्ज के लिए, इल्ला के अगर कोई मोतिया वगैरह भी आए, अपनी थूक सुबह उठ के अपनी आंखों में डाले 1-2 कतरे, और 5-10 मिनट 15 मिनट लेटा रहे, तो अल्लाह के फजल से उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। दरअसल मैं चाह रही थी कि हम उधर पिंडी आपके हाँ, पास उनको हो। लाइव देखते हैं। ये तो मैंने इलाज बता दिया ना, जी, और ये नहीं देख बहुत पा रहे। बहुत कीमती बात है, ये मैं बता रहा हूँ। बाद में अलाइनमेंट होती है, बाद टीढ़ियाँ होंगी ना इंज करके देखनी है जी, उनके लिए भी ये इलाज है। वो सुबह अपनी आंखों में अपना थूक डालें, अपना ही थूक है, किसी ने ताना देना है कि चल नहीं अखाई थूका पानी पाई है मैं ऐसा बस, होता है ना, तो ये करें अल्लाह की फजल। फिर जी एक दुआ है ना उसकी, सूरह काफ की है ये, मेरा ख्याल 22 नंबर या 20 नंबर है, डॉक्टर साहब ये भी कर चुके फका हैं, शफना कता का बसर कल जो मादी है ना, ये की ये है। भी एक बार दुरुशी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, एक बार ये दुआ, एक बार ये 7 बार पढ़ के ऐसे करके लगाएं। देखो दुआ यानी कि कुरान भी और दूसरा दुआ भी और दवा भी। लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज है।